बहुत बहुत से आपके चरणों में प्रणाम बाबा, आपके जिंदगी बना के सदा के समार के रखे। हमरे में एगो खासियत है, हम बिरहाल कबो मजाक ना करत, ऐसे कि बिरहे हमन का सब कुछ है, बिरहे ओढ़ना है, बिरहे बिछौना है। जे दिन बिरहाल मजाक कल जाई ओ दिन आप लोग बिरहा ना सुनबा, मुंह मोड़ के चल देबा। कहा के कहानी बा शुरुआत हो गई मास्टर साहब। कहानी के समझ लीजिए, राजा श्रीभान सिंह के चार बेटा एक बेटी, जौनी बिटिया के नाम बा चंद्रावती। चंद्रावती धीरे 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 सयानी हो गई। आज जब सयान हो गई, चारों भाई जब देखलन चंद्रावती का तो सोचत वन के रे यार बहिन तो सयान हो गई, तो अब कहे ना एक बर खोज के बियाह कर दी है जा। चारों भाई बहिन के देखलन तो चारों भाई मन में विचार कैलन कि यार बहिन सयान हो गई, तो कहे ना एक घर बर जोह के बियाह कर दी है जा। चारों भाई आपस में अपना विचार नहीं किए, बात नहीं किए और बहन के बर खोजे बदे चारों भाई चार दिशा में निकल गईलन। आज जब निकलन तो कैलन का एक लाइन तर्ज लगे का पैसा लेला किनेर किना राम जोगिया उदय नारायण लिखलन गंगा जी के धार जोगी। एक सौ एक रुपया पुरस्कार में कूदे नारा निकले गंगा जी के धार जोगिया। देखा भले पियले ओखन तो उसे का, लेकिन बात रखे हैं। क्या बात है? ये ऐसा चीज है मास्टर कि ए पियला पर सही भी होले गलत भी होले। अरे बात ठीक ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। जितना में हुआ उतना में सही हुआ, बैठ जाए। तर्ज बा का तर्ज के लाइन में मास्टर परिदेशी बलमुआ घर में हमके छोड़ के आए जाता रो परिदेशी बलमुआ घर में हमके छोड़ के ओ तन जाए से घूम गई। चारों भाई
करते हैं। चारों भाई कहाँ गए? अरे चारों दिशा में चारों बिरनवा खोजे ले बनवा घूम के। चारों बिरनवा खोजे ले बनवा घूम के। नहीं कोई से नहीं कोई से नहीं कोई से कोई पतवले चारों भाई चार दिशा में चल गिलन। कोई कोई से बतावत नहीं खे। चारों भाई अपनी एकलौती बहिन चंद्रावती बदे चार गो दुल्हा खोज के आ गिलन। बहिन एक दुल्हा चार। चारों भाई कोई कोई से बतावत ना हुआ। लेकिन ऐ मित्रों, बहन तो बहन होती है, वो किसी की बहन हो। बियाह का तैयारी होखे लगल, कोई से कोई बतावत नहीं खे। बियाह का जब धीरे धीरे तैयारी होखे लगल, समय बीते लगल, तब ले तब बाबूजी धीरे धीरे वो दिन आ गईल कि चारों दुल्हा अपन बरात साज के आज अब चलना है राजा श्रीभान सिंह के दरवाजे पर। तब देखा ये जका होता। एक लाइन तज बदल गई मास्टर। कौनो भी गीत फुहर ना होले भाई साहब, एके फुहर बनावे वाला बना देलन। ये गीत बहुत पुरान बा। पुरान? हाँ भाई, आज भी पुरन की गीतन में जमर रोस बा। रोस? पुरान गीत पुरान चाउर। पुरान में हरारू बड़ी मौके मकाम देली। अरे बाह बारे बुढ़ऊ जैसे में लेला पुरान गीत। जल्दी पुरान ना हो नया गीत आई तो उस साला एक के महीना में ओकरा केतना कुली हिंच कर दी है। बैंड बाजा वाला लेके बिरहिया ले लेके एकदम हिंच कर दी है। तो वही तरे नया गाना रेडीमेड है और पुराना गाना खान है। मतलब रेडीमेड के कपड़ा ले बा दस दिन के बाद उगर सियानी छोड़ दे। थान के कपड़ा लेके अगर सिवा ले बा एकदम तेरे ही तक चपले जैसा। थान वाली गीत है, माटी वाली को पुराने ना हुई है। कैसे मास्टर? सातों नदियां पार
गावे तीसिया कटे लवा करही अजरे हेरे नंदी अरे तीसिया कटे लवा करही अजरे हेरे नंदी करही अजरे हेरे नंदी ओइसे जरे सियारा हमार पत्नी रे राम जन्म जी बदे सास मोर आबही नदी चक्कर चोधारी अरे सास मोर आंधारी नदी चक्कर चोधारी नदी चक्कर चोधारी आधी रतिया बुढ़ावा पनिया मांग छोटी रे नदी बारात आ गई गांव के घोड़ा ने चार घोड़े पर चार दुल्हा और बैंड बाजा सब बराती लोग चारी ओर से चौघोटत बा नजर के कर पड़ल नौवा को नाऊ आ ब्राह्मण ई दू आदमी बहुत तेज होलत नौवा देखलस कलस के रे यार ये तो बियावा खाली रजब एक लड़किया का बा आ दूल्हा चार गो बड़सन बारात इतना बा बैंड बाजा चार गो बाजता हे मन चल के पूछी कि आखिर बुझाई हो सका हा जाके नौवा से पूछ रहा बारात पक्ष वाला जवन आ रहा पूछलस के करे तोहन के बारात कहा जाई वर पक्ष वाला नौवा कहता कन्या पक्ष वाला नौवा कह कि अरे सारे होश में बोल होश में बोल हम हन वर पक्ष के नाऊ है तुम कन्या पक्ष वाले हो थोड़ा होश में बोलो कलर तेरी कन्या की ऐसी सीखता ऐसी पहले ये बताओ कि तुम लोग जाओगे कहा के करे ही अजी बारे बारात त राजा श्री भान सिंह के बेटी चंद्रावती के आवे वाला बा चारो दुल्हा का नाऊ कलन केरे यार पागल हुए का ई बरतिया चारो राजा श्री भान सिंह के ही दुआरी जाई नाऊ जब सुनलस हो पैर के नीचे ले जमीन खिसक न गई दौड़ लाए नौनिया चौका पूरत रहे बाही पकड़ के कलस के कहो कि चौका पूरत हो ठेहुन पर ले गोड़ रंखे ए भैया ठेहुनो पर ले गोड़ रंगा ले का जब होला तब आके अरे अंग में भंग करेला कलश की सुन ना जेबी तो हम जातनी ई कुल राजा रजवाड़न के बारात हो कब तलवार चल जाई गर्दन कट जाई कला बात का बा नौवा बतौलस के रे पगली श्री भान सिंह के बेटी चंद्रावती का बारात का दुल्हा ये गोना चार गो आई हूँ अरे बाप रे बाप जब इतनी बात सुनलस नवनिया हो दौड़ जा के कहले बे चंद्रावती से कि ए बहनी बड़ा अनर्थ हो गई हो तो आप चारों भैया चार गो दुल्हा खोज के आई हूँ आ चारों से तुम्हार बियाह होई अब तू सोच ले कि कैसे बियाह कर दू
आंख से आंसू गिरा था चंद्रावती के, आ सोचतिया का सोचतिया मास्टर। अरे गांव घर में बैठे मोर कतरी असली पीरा ना चंद्रावती सुलस हो भैया कलेजा मुहे किया गई सोचतिया कि अरे धीरे धीरे सोचतिया कि चारों भाई के हमरे बदे इज्जत बराबर बा। आखिर कौनी भाई के खोजले के बर से हम बियाह करी, ऐसे बढ़िया बा कि मरे गैला में हमार गुजारा बा। घर के अंदर जाती है आंखों में आंसू भर करके और माहौर उठाती है और जहर खा करके घर के अंदर सो जाती है। यहां तक धीरे धीरे कीना राम जोगी डूबले नारा और निकले गंगा जी के धारा। 50 रुपये का पुरस्कार भाई साहब के बहुत बहुत सा प्रणाम बा। देखा बात गौले सेना होला, गौले सेना होला। आखिर बाबूजी और लड़की मर गई, बाप माई जब सुनलन कि हमारी बिटिया मर गई दौड़ ला के रोवत होवन, लेकिन जवन चारों दुल्हावा रलन जेतनी बराती सुनलन सारे बराती वहां से भग गए, लेकिन चारों दुल्हावा भगल सना। यही देखिए खासियत, वो भागते नहीं है, भले मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन भगेंगे नहीं। चारों दुल्हावा कैलन का यहाँ भाव में लिखे के पढ़ल मास्टर। देखलस कि हमार होड़खे वाली दुलही मर गई, बर्दाश्त ना कैलस हो वही दरवाजे पर तड़ाके गिरल और मर जाता है। बच गईलन 3 गो, खिड़की के आर से ताकत रलन कि आखिर दुलहिया के लसिया कौनी घरवा में सुतावल हो। चुपके से गईलन, सारे लोग हट गए थे, कुछ लोग थे लेकिन बारे भैया जा करके दुल्हन के लाश चुपके से उठाए और ऊपर से ढक दिए। ये बुझेबे न करे कि ये बिछौना है कि लाश है। लेके भाग करके आए और एक आदमी जो एक दुल्हा था वो
जो मरा हुआ दुल्हा था उसे उठाता है और दू मिला वो चंद्रावती के लाश के उठौलन और लेके बाबूजी पहुंच गेलन शमशान घाट पर ले जा करके और दोनों लोगन के दाह संस्कार कर देना। लेकिन भैर का मास्टर साहब तर्ज लगे रूपा का माल की चलन ये तीनों का कैलन का लजिया समाज के बा संस्कार कई के अब तीनों सोचत हुए जौन एक मिला रहल अपन दास संस्कार कई के राख ओख लिहलस आ यही बनारस काशी गंगा जी में आके दास संस्कार करके अपने घर चला गया। लेकिन दूसरा वाला बाबूजी वही शमशान घाट पर मरई लगा करके और घी के दिया जरा के वही जे रहे लागल। लेकिन जवन चौथा रहल उ तनी सातिर मिजाज के रहल कलस की ना यार इतना सुघर दुलही हम पाई कहां जबले एके जियाई ना तबले हम चैन से बैठब ना चौथा नंबर वाला दुल्हा निकल जाता है। आज जब निकलल तो भैल का मास्टर साहब लिखे के पड़ल तर्ज बड़ी पुरान बा जौनी गीत के हमरे बुल्लू गुरु जी गावे तनी बजा दो तो हम बता दी ही गावे बुल्लू गुरु का राम जन्म जी के चेला से बिरहा रहल हमार चेला इनकर समधी भी उला गेलन 28 तारीख के बिरहा रहल
नारायणपुर ये भी हमार ढोलक आधा बिरहा जा जा फूट गई। हम कहनी कि ये भैया कहीं अपन ढोलकवा दे देता, उनका ढोलक वाला कहता हमार ढोलक का मसाला छोड़ दे बजाव जाके। अरे ससुर तुहरा ढोलक ना दिहला से बिरहा थोड़ो बिगड़ जाए, लेकिन फिर कबो बिरहा हो जाए तुहार फूटी तो मनोज भैया इतनी के देने बा कबो तुहार तो कबो हमार। लेकिन बाजी को गवैया बहुत उर्छो ढोलस। खैर आज वैसे राम जन्म जी का समझी भी हूँ, कहा कि हम राम जन्म के समझी गई मुना लाल पगड़ी वाले। ए भैया आखिरकार इतना बड़ी पुराण बा ई गावे बुल्लू गुरु जी का गावे मास्टर साहब। छोड़ी गली वाह। लेकिन भाव में गौर करिहन आखिरकार ओ चौथा नंबर वाला दुल्हा घूमते 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 एक ब्राह्मण के दरवाजे पर गया। और जब ब्राह्मण के दरवाजे पर गया तो होता क्या है मास्टर, भाव में लिखल गई नवा मीठा लिहले गनिया। आए मेरे दोस्तों घूमते घूमते वो एक ब्राह्मण के दरवाजे पर गया। शाम के वक्त दरवाजा बंद था, सिकड़ी खटखटाता है। एक औरत आई दरवाजा खोल करके और पूछती है कौन हो भाई, क्या चाहिए, भिक्षा चाहिए। वो चौथा नंबर वाला दुल्हा कहा कि नहीं बहन हमें भिक्षा नहीं चाहिए, आज के रात मैं आपके घर बिताना चाहता हूं और हमें भूख भी लगी है, हमें थोड़ा से भोजन करा दीजिए। तबले पंडित जी आ गिलन कलन केरी वाह 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 अतिथि देवो भव न जाने किसी रूप में मिल जाते भगवान, न जाने के भगवान नहीं आ गई। चला अंदर चला ले के गई लन जवन पंडिताई रहली। पंडित पंडिताइन के बीच में एगो छोट खानी लड़का रहल। आई छोट खानी लड़का रहल पंडिताइन सोचली कि महाराज का भोजन बना दी और भुखाइल बड़न खा लियन टाइम से। जे वही भोजन बनावे चलली तबले अनर्थ हो गई। का अनर्थ हो गई मास्टर, टेरी में लिखे के पड़ल अरे मोरे राम माया में भटके
सारी दुनिया माया में भक्ति के सारी, माया में भक्ति के सारी दुनिया जस अप जस में फंस के तड़पे निर्मल जस अप जस में फंस के तड़पे निर्मल काया माया में भटके सारी दुनिया भोजन बना रही थी ओ औरत ओ छोटा सा बाचा आकर के दाल के छीट दे चावल छीट दे सब्जी छीट दे लेकिन बारे वो माई माई का ममता का होली का लिखल गिर मास्टर अल्लाह के अंदर लिखे के पड़ल देवता समान में हो देवता समान में हो मान दुनिया में भैया अरे कवर ले रूप मना दे मिली गई है भगवान अब भोजन सा बच्चा ओ लड़का के काबू धी बा का ओकर दिमाग बा आके चाउर छीट दे सब्जी छीट दे दाल छीट दे लेकिन माई न है हो माई है लेकिन बाहर वो कसाइन पंडिताइन पकड़ती है अपनी मासूम छोटी से बालक ही पकड़ के गर्दनिया आ चूल्हा बरत रहल ले जाके वही चूल्हिया में झोंक देलस लड़का भा 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 कह के बरे लागल जरे लागल और वही लड़का चूल्ही में जरता वही पर पंडिताइन भोजन बनावत है देखत के रहल तो वही चौथा नंबर वाला दूल्हा देख करके हैरान हो गया अरे वाह ये कैसी औरत है ये कैसी माँ है अरे माई के बच्चा जब मर जला तो वो माई रो रो के मर जाली ये कैसन औरत भी अरे भाई कि अपनी हाथे अपनी बेटा के चूल्ही में झोंक देलस एकर ये दिल में थोड़ा से भी दया ना आई आंख में थोड़ा से भी आंसू ना आई अरे ऐसा मतारी पर धिक्कार बा छोरा झपड़ी उठवलन आ ले करके चौथा नंबर वाला दूल्हा कलस की तोरी भोजन का मुंह मारी ऊपर परो तोर भोजन तोर भोजन ऊपर परो हम चलनी आज वही दुआरी से निकलन तबले पंडित पंडित आई जाके खड़ा होन गला हे वो भोजन हमार बनल बा त का होई कहां चलला डेढ़ सर चावर का भात के खाई रे मोर भैया ना दोहाई सरकार के हमार जान छोड़ दे लोगन जान बच रही तो बड़ी भोजन खाई वो बड़ी दाल चावल मिली कलर की ना ऐसे कैसे जब आ गिला तब बिना खाईले जाए कि नहीं खे चला कलर की ना भैया अरे जब वो लड़का के तो लोग मार दिला तो हमके पैबा तक का करब पंडित जी कलम पे मत दबा पागल नियर बतियाओ थोड़ा ई हमनी का रोज का काम है रोज ये लड़कावा के हम चूल्ही में झोंकीला रोज जरा के मुआइला और रोज ये लड़कावा के जिंदा करीला जा कस की अच्छा तो ठीक बा तब जिंदा करबो जा तब बे खाई बा नहीं तो लौट के चल जाई
कलन की नहीं चलो लेके गईलन है। अब बाबूजी गाय के गोबर से अगना पोतवौलन और गंगा जल मंगौलन, लड़का के हार राख मंगवा के चौका पुरवा के बीचो बीच रखवौलन, आ मंत्र उच्चारण करी के जब गंगा जल मरलन वो लड़का पर, तो लड़का एकदम विचित्र चिंदा जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो गया, खड़ा होकर के हंस रहा है। पंडित जी के बेदवा पर उताकत रहल कि कौन ही मंत्र पढ़ के आई मारत हो, तब तो वो लख न गई कलश की, अब तो हमार काम बन गई, अब जवने बदे हम चल रहनी है, अब काम बन जाए। कला है पंडित जी जल्दी बैगन भोजन लिया वो हम खाई या सुती, अब दोनों लोगन जा सुता। पंडित पंडित आई खा के जाके वो मड़ई में सुतन अपन घर सर नाक बजावत हुआ, एकरा कहीं को वहां ही लगे जा। ये देखले रहल कि पंडित जी कौनी मड़ैया में पोथिया खोसले हुआ, गईल वही राती पोथी के खींचलस आ लेके भागल, कहाँ आईल तो वही श्मशान घाट पर, आ जब आई तो जवन सुता रहल गोरत रहल मड़ई लगा के मरल से एक लात उठ के बैठ के कल बस उठ चल तोर काम खत्म हो गई ले जाला जो कला। वो काहे कलस की सुन, जो गाय के गोबर लिया आ गंगा जल लिया, गाय के गोबर आइल गंगा जल आइल और पोतवा करके और वही बाबूजी दुलही के हार मास लिया के रखलन है, और वही बेद उखाड़ करके और श्लोक पढ़े आ पढ़ के जब गंगा जल मरलन तब ले तो दुलहिया जिंदा हो गई, लेकिन वो गलती हो गई वही में दुल्हवो का हार मास कुल राख चलाई रहल, वो जिंदा हो गई। आ जब जिंदा भई तब धैलस ना दुल्ही का छप छपा कल हे वो हार कहा ये हार चला, तीन मिला तो वही जे हो गई लन, एगो जवन जीवलस तमन एगो जवन मरई लगा के गोरलेस तमन, आ जवन भाग रहल दाह संस्कार कई के ओके जब पता चलल कि रानी चंद्रावती जिंदा हो गई, वो अपन सोटा वोटा लेके चलल, आ जब आई तो कलस की अरे हटा सो तीनू ठहरा यहां से तो नहीं तीन मिला यार से हटा, ई मेहरारू हमार भाई। अब तो चारों बजलन बीच में खड़ी होके जैसे द्रौपदी जी के चीर हरण होत रहल, खड़ी होकर के भगवान को बुला रही थी, उसी तरह बीच में खड़ी है और आंखों से झरझर झरझर आंसू चलत बा, और ओके एक बात कहलीन है, का कहलीन बतौले की बिरहा के आखिरी में आप लोगन से सवाल रही, बाबा सवाल रही कौन सवाल रही आप लोग बताइए का बात चलता अवा। यही मोर फिल्म सबके, यही मोर फिल्म सबके, अरे सुनावे के पड़ी तो क्या कर भाईली दूल्ही निया हो बतावे के पड़ी, पड़ी। अब आप लोग दिमाग लगैया कि जवन जियौलस तवना कहो मेहरारू भइल, कि जवन ओइजा सुतर रहल तवने का मेहरारू भइल, कि जवन ओकरे संगे मर रहल तवने का मेहरारू भइल, कि जवन भाग रहल तवने का मेहरारू भइल, आ
आखिर वो केकर मेरा रूबन मेरा रूप एक ही आदमी के बनी यही से आखिरी लाइन में लिखल गिल का मास्टर पत्तू छे बर सुखनंदन के पूरा भैली सपना काशी बोलो दया सिंधु में अरे के भैल सजना अरे माया में भटक के सारी दुनिया कविता कवि ठाकुर पर सतगुरु कहिले दया माया में भटक के सारी के विधावा विजयलाल यादव और सुदई राम यादव मुगल सराय में इब्राहिम के दंगल बा 101 रुपये का पुरस्कार बहुत बहुत सब भैया का प्रणाम बा जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा छोटू मध्य प्रदेश भोपाल 100 रुपये का पुरस्कार संजय यादव जी लेहड़ा मरई का कोई भूला गई बा ओ मंच के सामने आ जाए शेख भाई भीड़ काफी बा लड़का तो लड़का भूला तो हम बड़ो भूला जाते हैं अगर नबी